गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम गौरव गुप्ता। आई कम बैक अगेन विद अ न्यू लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री। वी ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योमेट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक वो रीच हो पाई, और यूक्लिड कौन है, यूक्लिड ने क्या क्या डिफाइन किया, वो सब चीज़ हम रीड कर चुके हैं। अब हम यूक्लिड के कुछ डिफरेंट जो उसकी डेफिनेशन थी उसको रीड करना है, तो मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ जिससे टॉपिक हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा। हम बात करना चाह रहे हैं यूक्लिड एज्यूम सम प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रूथ दो टाइप के होते थे, एक स्पेसिफिक ट्रूथ होता है जो कहते हो सेल्फ ट्रूथ, जो आज ट्रूथ है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि कल मेरा बर्थडे है, इट मींस ये स्टेटमेंट आज ट्रू है। लेकिन यही स्टेटमेंट यदि मैं 10 दिन बाद बोलता हूँ कि टुमोरो इज माय बर्थडे, तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि मेरा बर्थडे जा चुका है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है जो एट प्रेजेंट ट्रू होती है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज रहती है, तो उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहते। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, जो ट्रूथ आज भी प्रेजेंट ट्रू है, और यदि आप उन्हें आने वाले 10 दिन 20 दिन साल बात करते हैं तो भी वो क्या है, ट्रूथ है। तो उन्हें क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूक्लिड ने जो एज्यूम ट्रूथ थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एक्सियोम्स एंड सेकेंड वन कॉल्ड द पोस्टुलेट। दोनों के दोनों क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन कुछ ट्रूथ जो स्पेसिफिक कनेक्ट होते हैं किससे, ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, लाइन, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सब से, तो उन्हें क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स। और जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स बट नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, उस टाइप के जितने भी हम सेल्फ एविडेंट प्रूफ मानते हैं जिनको फिर तक प्रूव नहीं किया जा सकता, वो सब प्रूफ क्या होते हैं आपके, एक्सियोम्स। तो अब आने वाले चैप्टर जो हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे उन सब में हमारे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए कुछ थ्योरम डिसाइड होती है जिनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ एविडेंट प्रूफ है, इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी हेल्प से कुछ और नए रिजल्ट को हम प्रूफ कर सकते हैं, और उन रिजल्ट को क्या कहते हैं, थ्योरम। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, थ्योरम का रहेगा कि थ्योरम क्या हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे 9th क्लास के 5 चैप्टर है जो बेस्ड ऑन है थ्योरम। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं यूक्लिड ने कौन कौन से एक्सियोम्स दिए, उसको हम विद एग्जांपल समझेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एक्सियोम्स लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कहता है कि कोई चीज इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब क्या कहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू जेड। क्या कहता है ये, एक्स इज इक्वल टू वाई है और वाई इज इक्वल टू जेड है, तो हम इसका मतलब, ये साइन किसका होता है, इम्प्लाइज का, तो आप इम्प्लाइज का साइन यूज करिए। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अब क्या कहता है उस चीज को समझिए, यहाँ पे कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, यहाँ दो थिंग्स की बात कर रही है जो इक्वल है सेम थिंग के। जैसे यहाँ देखिए x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ये कहता है कि y z के इक्वल है, इसका मतलब z y के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ z किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो x और z दो थिंग्स हैं जो इक्वल है सेम थिंग, y y y सेम हो गया, इसका मतलब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये आपस में भी क्या हो गई, इक्वल हो गए। तो इसलिए ये आपको इस टाइप से रिजल्ट मिलता है। आजकल तो हम ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं कि x इक्वल टू y है, y इक्वल टू z है, तो इट मींस क्या हो गया, x और y और z आपस में तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है, लेकिन रिजल्ट आया कहां से, बाय एक्सियोम्स। आई होप आपको समझ आया होगा, यदि नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास भी 10 रुपए है, इसका मतलब आप और मैं दोनों इक्वल है सेम थिंग, और सेम थिंग यहाँ पे क्या है, 10 रुपीज। इसका मतलब मेरे पास भी 10, आपके पास भी 10,
तो हम दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और हम किसके इक्वल हो गए, 10 रुपीज के। तो ये स्टेटमेंट कहता है जब x इक्वल टू y है और y इक्वल टू z है, इसका मतलब x और z भी इक्वल हो गए, तो तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दिस इज अ एग्जांपल। सो प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सिमिलर एक्सियोम्स। नाउ अब मैं एक स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री से रिलेटेड लेता हूं, तो आपको और भी बेटर वे से क्लियर होगा। सपोज मैं कहता हूं एरिया ऑफ पार्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रोम्बस। इसका मतलब ये हो गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रोम्बस। इस चीज को मैं यूज कर सकता हूं। मैंने क्या कहा, पहले कहा कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसका एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, और जो स्क्वायर का एरिया है वो किसके इक्वल है, रोम्बस के। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे ट्रायंगल किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब दो थिंग्स कौन सी हो गई, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गई, एक एरिया ऑफ रोम्बस हो गई, दो थिंग्स हो गई इक्वल टू सेम थिंग। ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये आपस में भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस। इस तरह के जब हम अपने प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। देखिए रिजल्ट आया कहां से, वो यूक्लिड एक्सियोम से आया। इस टाइप का आपको रिजल्ट याद रखना है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, एक्सियोम सेकंड। सेकंड एक्सियोम देखिए कितना सिंपल है, कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यदि आप कोई चीज इक्वल चीज ऐड कर देते हो दो इक्वल में, मतलब दो चीज जो पहले से इक्वल है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है, तो आप और मैं इक्वल हैं। और यदि कोई थर्ड पर्सन हमें 20-20 रुपीज दे देता है, 20 मतलब इक्वल, आपको भी 20 देता है, मुझे भी 20 देता है, तो आपके पास भी 120 होंगे, मेरे पास भी 120। अब हमारे पास कितना है, द होल, होल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 120। तो मेरे पास भी 120 है, आपके पास भी 120 है, तो होल आर ऑल्सो इक्वल। तो क्या मतलब है, यदि दो चीज पहले से इक्वल है और उनमें इक्वल चीज ऐड कर दी जाए, तो जो टोटल बन जाएगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। यही चीज ये कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दो इक्वल्स है पहले, तो हम लेट ले लेते हैं, लेट हमने लिया कि x इज इक्वल टू क्या है, y, ये दो पहले से इक्वल है और हम ऐड कर देते हैं 4 टू बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया, 4। यहाँ पे 4 क्या है, इक्वल अमाउंट जो दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, x प्लस 4, और ये क्या बन गया, y प्लस 4। तो कहता है था होल्स, होल्स का मतलब अब टोटल, तो ये और ये आपस में अब भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इफ x और y इक्वल है और हम उसमें इक्वल चीज ऐड कर देते हैं, इट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, जो होल जो अब जो बन जाएगा रिजल्टेंट टोटल, वो आपस में भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही ये सबट्रैक्ट वाला है, इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड, सेम वही, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई है और हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्या सबट्रैक्ट कर देते हैं, 4, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 4, और ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस 4। तो जब x और y इक्वल थे और आपने इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर भी दोनों का जो रिजल्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इट इंप्लाइज x माइनस y और y माइनस 4 इज ऑल्सो इक्वल। समझ आया आपको, एग्जांपल जैसे आपके पास और मेरे पास 100 रुपीज है, कोई हम में से 20 रुपीज ले लेता है, तो आप सिर्फ 20 ले लिया, मैं सिर्फ 20 ले लिया, तो हमारे पास कितने रहे, 80 80।
तो अभी भी क्या हुए इक्वल, पहले भी इक्वल थे 100 100, अभी भी क्या हुए इक्वल। जब आप ऐड करते हो इक्वल चीज तब भी वो इक्वल होते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते हो कोई चीज तब भी वो क्या रहेंगे इक्वल ही रहे। ये एक्सियोम था आपका, लेकिन इसको प्रूव नहीं कर सकते, हम यूज करते हैं लेकिन प्रूव नहीं कर सकते। फोर्थ एक्सियोम देखिए, काफी इंपॉर्टेंट एक्सियोम है जो हर समय यूज होगा प्रूविंग क्वेश्चंस में। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, मतलब क्या होती है इसको सिंपल कह सकते हो, जो थिंग्स जो आइडेंटिकल होती है, आप कह सकते हो आइडेंटिकल थिंग्स आर इक्वल्स, जो सेम चीज होती है वो आपस में क्या होती है इक्वल होती है। इसको एग्जांपल समझाने से पहले प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, ये एक लाइन है 5 सेंटीमीटर, ये सेकेंड लाइन है 10 सेंटीमीटर, एक लाइन और भी है, ये लाइन है 15 सेंटीमीटर। इस समझ रहे, मैं ये इसकी लेंथ को ए ऐड कर लेता हूं, ये साइड मेरी ए है, ये साइड मेरी बी है, और ये मेरी साइड सी है। इसका मतलब मैं यदि ए और बी को ऐड करता हूं तो मुझे एक ऐसी साइड मिलेगी जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, 5 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 15, और 15 ये भी है, इसका मतलब 15 इज इक्वल टू 15। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट सी, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है कि जो चीज आइडेंटिकल है ये प्लस ये सेम बन जाएगी किसके आइडेंटिकल, इस साइड के, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा। यही चीज प्रोवाइड करती है कि मतलब कोई चीज आइडेंटिकल है सेम दूसरी चीज के, मतलब जैसे ये मार्कर है इसकी लेंथ इस मार्कर की लेंथ से इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए आइडेंटिकल हुए, तो आइडेंटिकल को क्या कहते हैं कोइंसाइड। तो आप इस टाइप से भी समझ सकते हो, और ये आप कह सकते हो इन दोनों चीज को इन लाइन के साथ मिलाया जाए तो ये आपस में क्या कर जाएगी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप, दिखाई दे रही है आपको दोनों मार्कर, ये दोनों मार्कर क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हर पॉइंट दोनों का आपस में क्या है कनेक्ट है। तो यदि आप इसको देखते हो तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है दूसरी ये लाइन है, अब ये पूरी की पूरी लाइन किससे कोइंसाइड करती है, इससे कोइंसाइड करती है, ये ए ये बी और ये सी, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है कोइंसाइड कर रही है। तो इसलिए इन दोनों ये साइड क्या है ए और ये प्लस बी, तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया सी। इसका हम दो चीज जब सेम चीज के आइडेंटिकल है सेम है तो आपस में क्या होगी वो इक्वल होगी। ये था एक्सियोम फोर्थ, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छी तरह समझना, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, एक्सियोम फिफ्थ रीड करिए, द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये चीज है ठीक है, मैं ये एक बॉडी है इसका एक पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर दिया मैंने एक पार्ट, ये इसका क्या है एक पार्ट है। अब ये जो पार्ट है ये टुकड़ा है इस पूरे मार्कर से, तो ये हमेशा क्या रहेगा छोटा ही रहेगा। इसका मतलब जो होल होता है वो शुड बी ग्रेटर होगा ऑलवेज अ पार्ट, उसके एक पार्ट से तो पूरी बॉडी क्या रहेगी हमेशा ग्रेटर ही रहेगी, चाहे आप उसके कितने मर्जी पार्ट कर दो। इसको समझने के लिए देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे ये सर्कल है ठीक है, ये मेरी होल बॉडी है, ठीक है मैं इसका एक पार्ट कर देता हूं, मैंने इसका एक पार्ट किया या इसका हाफ ही कर देता हूं, हाफ से ज्यादा तो मुझे कुछ भी कर सकते हो, मैंने इसका एक पार्ट किया, इसका मतलब ये एक पार्ट है ये इसका क्या है पार्ट। अब आपको दिखाई दे रहा है ये तो मैंने छोटा सा पार्ट करा, मैं इसका हाफ और कर देता हूं,
ये भी इसका पार्ट हुआ। मैं इसका और भी बड़ा पार्ट कर देता हूँ, लेट ये कर लेता हूँ। ये भी इसका क्या हुआ, पार्ट हुआ। लेकिन आप इसको 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 पूरी बॉडी से कंपेयर करेंगे तो पूरी बॉडी तो क्या रहेगी, हर एक पार्ट से बड़ी रहेगी, चाहे पार्ट कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। ये पार्ट इस पूरी बॉडी से तो छोटा ही है ना, ये पार्ट इस पूरी बॉडी से छोटा है, ये पार्ट इस पूरी बॉडी से क्या है, छोटा। मतलब क्या करते हो, जब आप किसी चीज की बॉडी की बात करते हो, ये पूरी लेंथ है, इसमें से इसके कोई टुकड़े की बात आप इस पूरी बॉडी से कंपेयर करेंगे तो ये पूरी बॉडी तो हमेशा क्या रहेगी, इससे बड़ी ही रहेगी। तो ये एक्सियोम्स है आपका, ये कि होल जो होते हैं, सबसे जो पूरी बॉडी होती है वो हमेशा उसके टुकड़े से, उसके पार्ट से हमेशा बड़ी होती है। इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इफ बी जो है इज अ पार्ट ऑफ ए, बी इज अ पार्ट ऑफ ए, इसका मतलब ये ए है और ये बॉडी हमारी बी है, ठीक है। तो ए बी इसका एक पार्ट है, इसका मतलब ए क्या है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। यदि आपको इक्वल लाना है तो ये चीज छोटी है ना, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हो सकता है जब आप इसमें कुछ ना कुछ क्या कर दो, ऐड कर दो, तब जाके ये क्या बन जाएगा, इक्वल। कि ये और ये इक्वल बन सकते हैं कब, जब मैं इसका जो ये टुकड़ा है, ये पार्ट है, इस पार्ट को ऐड कर दूंगा तो ये और ये आपस में क्या बन जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है हमारा, सी। तो बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, समझ आया। तो ये तो हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, लेकिन वो यूक्लिड ने डिफाइन किस तरह से किया वो हमें सीखना है। अब यदि सिक्स एग्जांपल्स कहता है थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, अभी पहले वाला सेकंड जैसे ही हो गया कि थिंग्स, यहां पे हम दो थिंग्स ले लेते हैं, इंप्लीट करते हैं कि एक्स और वाई, या दो थिंग्स हो गई, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, मतलब डबल होनी चाहिए, मतलब टू टाइम्स सेम थिंग, सेम थिंग कोई भी ले लो, जैसे एक्स और वाई, मैं जेड ले लेता हूं, तो x और y क्या है, टू थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल है टू द सेम थिंग के, ये भी डबल है सेम थिंग के, ये भी डबल है सेम थिंग के, दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए, और किसके इक्वल हो गए, टू z, समझ आया। ऐसे ये है कि ये थिंग्स विच आर हाफ, अब हाफ कर दो, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई 2 z और y इज इक्वल टू ये भी 1 बाई 2 z, तो यहाँ पे तो x और y थिंग्स है वो इक्वल है हाफ ऑफ द सेम थिंग के, तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 बाई 2 z, ये चीज आप यूज करते आए ना, तो आपको ये चीज बड़ी ध्यान से यूज करनी है, सारी थ्योरम का पार्ट है जो हम इसमें यूज करेंगे। तो आपको बेसिक थ्री चीज तो होंगे, एक चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या हो गई, इक्वल। आई होप आपको ये चीज सब समझ आई होगी, कितनी इजी है ये चीज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रूविंग टाइप क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम बात किसके कर रहे हैं, पोस्टुलेट्स की। अब आपको पता है जो अब यहाँ एज्यूम ट्रूथ होंगे वो स्पेसिफिक ट्रूथ किसके होंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे। लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, ये कहता है पोस्टुलेट वन, आपको याद कैसे रखने हैं, अकॉर्डिंग टू नंबरिंग याद रखनी है, एग्जियोम्स के नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे हो जाए तो जो हमने 6 एग्जियोम याद करे हैं उसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही याद करिए, कि नंबर 3 एग्जियोम कौन सा, नंबर 4 कौन सा है, और डेफिनेशन भी याद करनी है, और पोस्टुलेट्स तो आपको नंबरिंग के अकॉर्डिंग याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा राइट द सेकंड पोस्टुलेट, राइट द थर्ड पोस्टुलेट, तो इसलिए पोस्टुलेट नंबर भी आपको इंपॉर्टेंट से याद रखना है। अब लुक एट द फर्स्ट, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ये कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ कर सकते हो आप किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट के बीच में,
जैसे मैं बात करता हूं, ये एक पॉइंट है ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है बी, ए और बी दो पॉइंट है। इन किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अब देखिए हो गई, ऐसे आप और भी ले सकते हो, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया सी, ये पॉइंट ले लेता हूं, तो इनसे भी क्या हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। मतलब किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे अलग पॉइंट से, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन, समझा गया? तो इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए, सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो आजकल हम यूज करते हैं, जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हमने सॉल्यूशंस निकाले इक्वेशन को, चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 में, वहां पे हमने क्या दो ही पॉइंट निकाले, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते थे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती थी ग्राफ में। तो वो एग्जांपल यहां से ही आया कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको नॉट रिक्वायर्ड मोर देन टू पॉइंट्स, सर दो पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी से जेके उसने एक एग्जोम भी दिया, उसको एग्जोम को रीड करिए, ये आपका एग्जोम है, पोस्टुलेट नहीं है। ये एग्जोम क्या कहता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल मान लेता हूं एक पॉइंट ये है पी, एक पॉइंट ये है क्यू, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, कि जब दो पॉइंट दे दिए जाए तो आपसे कहता है कि हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू देम, कि कितनी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी, तो आपका आंसर आएगा ए। यहां पे डिफाइन क्या किया गया, यूनिक, यूनिक का मतलब अलग, अलग मतलब एक ही। तो देखिए ध्यान से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम, तो कितनी लाइन ड्रॉ हुई, एक, आप कोई और लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। लेकिन यदि हम एक पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस, कैसे, देखिए ध्यान से, ये पी पॉइंट है, अब पी पॉइंट से मैं ये लाइन ड्रॉ करना चाहूं एल वन पास हो गई, ऐसे ही मैं ये सेकंड लाइन ड्रॉ करना चाहूं एल टू पास हो गई, ऐसे ही मैं और लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं ऐसे ही आप यहां भी कर सकते हो किसी भी पॉइंट से। यहां से सपोज करते हैं ये एक लाइन, यहां से पास करते हैं ये सेकंड लाइन है, यहां से बात करते हैं ये थर्ड लाइन है, यहां से पास करते हैं ये फोर्थ लाइन है। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। हम मैं यह लिख देता हूं, फ्रॉम वन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास, लाइंस कैन पास, तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, लेकिन दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ये हमारा एक्सियोम है, एक्सियोम 5.1, इस टाइप के आपको याद रखना। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी हमने कवर कौन सा करा है, पोस्टुलेट 1, तो पोस्टुलेट की डेफिनेशन प्लस में इसका डायग्राम आपको अच्छी तरह बनाना है। सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड, पोस्टुलेट सेकंड, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, रीड करिए पोस्टुलेट 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। सबसे पहले हम टर्मिनेटेड लाइन की बात करते हैं, आज के टाइम पे हम टर्मिनेटेड लाइन वर्ड यूज नहीं करते, हम आज के टाइम पे वर्ड यूज करते हैं लाइन सेगमेंट, समझते हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स। लेकिन यूक्लिड के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट नहीं था, उसने क्या डिफाइन किया था, टर्मिनेटेड लाइन। तो अब देखिए ध्यान से, हम आज के टाइम पर इसको क्या कहते हैं, ए और बी, ये हमारा यहां पे क्या है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, बट यूक्लिड जो था, यूक्लिड ने इसको क्या डिफाइन किया, यूक्लिड डिफाइन टर्मिनेटेड लाइन,
यूक्लिड ने उसको डिफाइन किया टर्मिनेटेड लाइन, और आज के टाइम पर हम यूज करते हैं लाइन सेगमेंट। तो थोड़ा बहुत चेंजेस आया इसमें। अब इसने क्या कहा कि टर्मिनेटेड लाइन, ये टर्मिनेटेड लाइन है, कैन बी प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस मतलब इंक्रीज कर सकते हो इनडेफिनेटली अपनी मर्जी के हिसाब से, आप कितना चाहो उतना मर्जी इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं इसको और इंक्रीज करना चाहूं, कितना मर्जी इंक्रीज कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ भी इस डायरेक्शन में भी आप चाहो जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हो। तो कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये कहता है पोस्टुलेट सेकेंड। रीड करिए थर्ड पोस्टुलेट, कहता है कि ए सर्कल कैन बी ड्रोन विद एनी सेंटर विद एनी रेडियस, मतलब जब आपको सर्कल ड्रॉ करना होता है सर्कल तो क्या है कि कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कहीं से भी किसी भी एक पॉइंट से विद एनी रेडियस, चाहे रेडियस है 1 सेंटीमीटर हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट है ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए है और ये रेडियस है मेरी, तो इसमें इस पॉइंट से और इस रेडियस से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। और कर सकते हो, मैं सपोज कर रहा ये पॉइंट ले लेता हूं और ये रेडियस ले लेता हूं, अभी भी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये पॉइंट है और ये क्या है रेडियस, मतलब सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोई भी एक पॉइंट चाहिए और एक रेडियस चाहिए, तो किसी भी एक पॉइंट एंड रेडियस से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये कहता है ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड विद एनी रेडियस, कितनी सेंटर भी कर, एक ही चाहिए चाहे टू पॉइंट कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो यहाँ कहीं मर्जी लो, और रेडियस भी चाहे 1 सेंटीमीटर चाहे 2 सेंटीमीटर चाहे 3 सेंटीमीटर, एक पॉइंट और एक रेडियस से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये था पोस्टुलेट था। अब रीड करिए पोस्टुलेट फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट एंगल समझते हो 90 डिग्री का एंगल, तो हम राइट एंगल की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल, जितने भी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, हाँ ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको ए बी सी, तो ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री। ऐसे मैं एक ट्रायंगल और बना लेता हूं, पी क्यू आर, ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल है ये भी राइट एंगल है। अच्छा ट्रायंगल में एंगल कितना भी क्या नाम है ट्रायंगल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो राइट एंगल तो 90 डिग्री का ही रहेगा, इसलिए ऑल राइट एंगल्स आर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए यहां पे एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री होगा। लिख सकते हो एंगल पी जो है और एंगल क्यू है वो क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया राइट एंगल, ये चीज समझ आ गई आपको। तो जब भी आपको दो ट्रायंगल दिखाई देते हैं उनके 90 डिग्री का एंगल है तो आप कह सकते हो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो गया आपस में इक्वल, इतना समझ आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड पोस्टुलेट फिफ्थ, पोस्टुलेट फिफ्थ बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू पोस्टुलेट 1, 2, 3, तो बहुत छोटे छोटे से, लेकिन फिफ्थ देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन आप समझ के करिएगा तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपको याद हो जाएगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान से, मैं इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाऊंगा, अब देखते जाइएगा। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉल, मतलब उसकी गिरती हो ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मतलब यहाँ पे मैं दो स्ट्रेट लाइन बनाऊ और दो स्ट्रेट लाइन पे एक थर्ड लाइन उस पे फॉल, फॉल का मतलब गिर रही है अटैच है, तो मैं बना सकता हूँ। अब मैं इसको लेके कैसे बनाऊंगा, सपोज करते हैं ये एक लाइन है ठीक है, ये कहते हैं ना एक वे स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो अदर स्ट्रेट लाइन पे वो फॉल हो रही है, इसका मतलब मैं यहां बना देता हूँ ये, इसको थोड़ा सा एक मिनट बैंड करके बनाता हूँ, थोड़ा सा और बेटर वैसे क्लियर होगा आपको। ठीक है,
एक लाइन ये टू हो गई, एक लाइन और बना लेता हूँ, ये लाइन। इतना समझ आया आपको क्या कि जब एक लाइन फॉल, फॉल का मतलब उस पे गिरे, स्ट्राइक करे ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इतना भी कर समझा क्या? अब मैंने जान करके इस लाइन को टेढ़ा बनाया, इंक्लाइन बनाया, उसका रीजन था क्यों? क्योंकि जो ये पोस्टुलेट है वो बेसिकली इंक्लाइन लाइंस के लिए ही है, जो लाइंस पैरेलल नहीं है उनके लिए ही ये पोस्टुलेट दिया गया है। इतना समझा गया आपको? आप देखिए, मेक्स द इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो अंदर के एंगल, अब आपको एंगल कहां बनता दिखाई दे रहा है? ये जो एंगल है ये भी इंटीरियर एंगल है, इस एंगल की बात करते हैं वो भी इंटीरियर एंगल है, ऐसे ही मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये भी इंटीरियर एंगल है, ऐसे इस एंगल की बात करता हूं तो ये भी क्या है? इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब यहां को आपको कौन कौन से एंगल दिखाई दे रहे? चार इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो दोबारा स्टेटमेंट रीड करिए, जब एक स्ट्रेट लाइन फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अब बात आ रही है किसकी? सेम साइड की, सेम साइड का मतलब एक ही साइड, तो या तो हम इस एंगल की बात करेंगे या हम किसकी बात करेंगे? इसकी, या तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ए और बी की, या हम किसकी बात करेंगे? सी और डी की। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेम साइड। ये भी मैंने क्लियर हो गया। अब आगे रीड करिए, ऑफ इट टेकन टुगेदर, टुगेदर का मतलब एड, एड का मतलब क्या है? ए प्लस बी, और यहां बात करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? सी प्लस डी, टुगेदर है ना। अब आगे रीड करिए, लेस देन टू राइट एंगल, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? लेस देन टू राइट एंगल मतलब जहां पे सेम साइड एंगल का सम कम हो किससे? 180 डिग्री से। टू राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री की बात करें तो जहां पे भी एंगल का सम चाहे ए प्लस बी चाहे सी प्लस बी, जहां भी एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब क्या है? लाइन को कितना मर्जी बढ़ा दो, इनडेफिनेटली ऑन दैट साइड जहां पे 180 से कम है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहां पे इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रहा है कि ए जो सी प्लस बी है ये एंगल बड़े दिखाई दे रहे हैं और ये एंगल छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब नेचुरली जो सी प्लस डी है यहां पे वो क्या बन रहा है? 180 डिग्री से कम है। तो जहां पे एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा उस साइड यदि लाइन को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मीट करेंगे। इज लेस देन टू राइट एंगल द साइड्स और सॉरी देखो अभी इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट्स ऑन दैट साइड, अब यहां पे वर्ड क्या आ रहा है? मीट्स ऑन दैट साइड। अब देखिए मैं आपको दिखाई भी दे रहा है यहां से, मैं थोड़ा सा और इसको विजुलाइज करता हूं, इस लाइन को मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा, दिखाई दे रहा है आपको? तो यदि मैं इन लाइनों को और बढ़ाता हूं तो ये एक पॉइंट पर क्या करेंगे? मीट करेंगे। तो ये है पोस्टुलेट फिफ्थ। दोबारा समझाऊं, सबसे पहले क्या कहता है कि जब एक लाइन, ये हमारी लाइन थी, फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइन पर फॉल करे, देन इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल चारों है बट सेम साइड, सेम साइड का मतलब इस साइड के क्या इस साइड का, इन दोनों का एंगल का सम, तो यहां पे एंगल ए प्लस बी बन गया, यहां पे एंगल सी प्लस डी, लेस देन फोर किससे? टू राइट एंगल से। तो सी प्लस डी चेक करा ये 180 से कम था, और यहां चेक करते हैं ए प्लस बी क्या है? 180 से बड़ा है। तो जहां पे 180 से एंगल छोटा होगा इंटीरियर एंगल का सम, वहां पे लाइन को यदि और बढ़ा दिया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए,
तो वो मीट करेगी ऑन दैट साइड, इसी साइड। इसका मतलब यहाँ पे क्या करती है, लाइन मीट्स, लाइंस तो उसी साइड लाइंस क्या करेगी, मीट करेगी। यह है पॉप का पोस्टुलेट फिफ्थ। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है और इस चीज को बेटर वे से समझना है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, कैसे पूछे जाएंगे, इनको देखिए। कहते हैं ए बी एंड सी आर द थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ठीक है, एक लाइन है जिस पर तीन पॉइंट्स है ए बी एंड सी, और कहते हैं बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, तो जो बी है वो ए और सी के बिटवीन में लाई करता है। तो आप देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका, हम बात करते हैं ये एक लाइन, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी और ये पॉइंट हो गया ए और सी। स्टेटमेंट ये कहती है कि जो ए बी सी तीन पॉइंट्स है जो एक लाइन पे लाई करते हैं और बी जो है वो ए और सी के बिटवीन में लाई करता है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए सी। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम बात करते हैं किसकी, ए बी की प्लस बी सी। यदि आप इसको ए बी को और बी सी को ऐड करते हो तो ये किसके इक्वल बनता है, ए सी के इक्वल बनता है, लेकिन दिखाई देता है ये तो आपको वैसे इंटरेस्टेड है कि ये 2 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तो टोटल 2 प्लस 3 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, लेकिन ये विद रीजन, कौन से रीजन से मैच करता है, यस एक्सियोम, कौन सा, फोर्थ एक्सियोम, फोर्थ है ना, यस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, वाई अकॉर्डिंग टू एक्सियोम, अकॉर्डिंग टू Euclid axiom 4, क्या था वो, things which are concise, things which concise to the same thing are equal। ये था हमारा, तो हमें ये पता है अब ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हुआ, किस एक्सियोम से हुआ, इस एक्सियोम से हुआ, क्योंकि ए बी और बी सी क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं विद ए सी। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी कॉन्साइड विद ए सी, इसका मतलब ये हो गया कि AB plus BC is equal to AC according to Euclid axiom। ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। अब कहोगे इतना छोटा सा क्वेश्चन, यस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज आज के टाइम पे तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं ना, कि एक साइड में AB plus BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, A से लिख सकता हूँ, ये तो डायरेक्ट यूज करता हूँ, लेकिन ये हमें प्रूव करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, इस टाइप से क्वेश्चन को प्रूव करना है, सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the example number 2. Example number देखिए 2 कितना important है, कहता है कि prove that करिए equilateral triangle can be construct बनाई जा सकती है on any given line segment। यदि आपको एक line segment दे दी जाए तो आप equilateral triangle बना सकते हो, ये आपको prove करना है। आपको पता है equilateral triangle क्या होते हैं, जिसके तीनों sides क्या होती है, equal होती है, उसको क्या कहते हैं, equilateral triangle। ये आपको prove करना है, कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, इसका मतलब आपको लाइन सेगमेंट गिवन है। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, लेट अ लाइन सेगमेंट, हम अपनी मर्जी से एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट गिवन है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए डी। ये क्या है हमारे पास, गिवन, क्योंकि स्टेटमेंट है दी हुई है ना, ये गिवन है। अब इसी से आपको क्या बनाना है, एक इक्वेटर ट्रायंगल बनाना है, तो आपके पास जो एक्सियोम्स है पोस्टुलेट है उसको यूज करना है। अब देखिए इस टाइप का पोस्टुलेट आपका यूज होता है सर्कल से, अब देखिए सर्कल की हेल्प से, सर्कल के पोस्टुलेट की हेल्प से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या आता है, पहले मैं पोस्टुलेट लिख देता हूँ, पोस्टुलेट था क्या था, A circle can be drawn
एक सर्कल कैन बी ड्रॉन कर सकते हैं विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये चीज हमें रीड करिए कि कोई भी एक सर्कल किसी भी पॉइंट से कितना भी रेडियस का ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी एक लाइन सेगमेंट है, मैं इसको लाइन सेगमेंट को नाम दे देता हूँ ए बी। ये हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ इसको, इसी को अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई टू मेक अ सर्कल। पहला सर्कल बना रहा हूं ए विद सेंटर, सेंटर ले लेता हूं मैं ए विद सेंटर ए एंड रेडियस भी लेनी पड़ेगी आपको, रेडियस ले लेता हूं ए बी। आपको पता है एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है किसी भी सेंटर से, तो मैंने सेंटर ए ले लिया और रेडियस ए भी ले ली, तो ए सेंटर है रेडियस ए भी है, तो सर्कल ऐसा आएगा। इस सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मैं इसी तरह सिमिलरली लेता हूं सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल की बात कर रहा हूं जिसका सेंटर ले लेता हूं मैं अब बी और उसके रेडियस ले लेता हूं ए बी कह दो या बी ए, रेडियस बी ए और बी ए पता है किसके इक्वल है क्योंकि डिस्टेंस है, रेडियस है, लेंथ है, इक्वल होती है, तो बी ए लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी। अब मैंने बी को सेंटर बनाया है तो सर्कल कैसा बनेगा, ये सर्कल बन जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं, सर्कल वन एंड सर्कल टू मीट्स ए पॉइंट सी, इसको नाम देता हूं मैं सी, तो लिख दूं यहां पे सर्कल वन एंड टू मीट्स एट अ पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे क्या करते हैं वो मीट करते हैं, मीट करके इनको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करता हूं मैं ज्वाइन कर दिया, तो यहां लिख देता हूं ज्वाइन ए सी और बी सी, ए सी को भी ज्वाइन कर दिया बी सी को भी ज्वाइन कर दिया। आपको दिखाई दे रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, अब हमें प्रूफ भी करना है। अब ध्यान से देखिए, अब जब यहाँ पे हमने ये सर्कल ड्रॉ करा था, इन सर्कल वन में ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखो ए बी और ए सी ये दोनों के दोनों है क्या, रेडियस है ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, कौन से सर्कल की, ये आपका सर्कल वन है और ये आपका सर्कल टू है, तो ये ए बी और ए सी दो क्या है, रेडियस है और किस सर्कल की, सी वन सर्कल की। अब इस चीज को लिखना है तो प्लीज मेक अ नोट, इस चीज को एक बार नोट करिए, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू है ए सी के, किस रीजन से, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है, किस सर्कल की, वन के, बोथ आर द रेडियस, दोनों की दोनों रेडियस है ऑफ सर्कल वन। ऐसे देखिए यहां बी ए और बी सी, बी ए और बी सी ये किसकी रेडियस है, सेकेंड सर्कल की, ऐसे ही बी ए इज इक्वल टू क्या है बी सी, वही रीजन है, सेम रीजन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल,
सर्कल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो आपको पता है बी ए लिखो या इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी भी लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पे एक एक्सियोम लग गया, कैसे ए बी भी ए सी के इक्वल है, या कह सकते हो ए सी किसके इक्वल है ए बी के, बी सी किसके इक्वल है वो भी ए बी के। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, कोई चीज दो चीज जो एक ही चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होगी। तो ए सी और बी सी दो चीज है, दोनों किसके इक्वल है ए बी के, तो यहाँ पे एक्सियोम लग गया। तो बाय यूक्लिड एक्सियोम, इसको इक्वेशन नंबर वन बना दो, इसको इक्वेशन नंबर टू, बाय यूक्लिड एक्सियोम फर्स्ट क्या कहता था, थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर कह दो या वन अनदर, वन अदर। तो इसका मतलब क्या मिल गया आपको, इसको भी नोट कर दूं, ये नोट कर चुके हो, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बी गेट, हमें क्या मिल गया कि ए बी किसके इक्वल था ए सी के, और ए सी बी सी के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हेंस इट इज अ क्या बन गई, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमने ये था कि एक लाइन सेगमेंट से क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई जा सकती है, और हमने बना दी। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा, सो प्लीज मेक अ नाउ। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्या कहता है जस्ट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। कितना इजी क्वेश्चन है, लुक एट द बोर्ड, पहला पार्ट है इसका, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या कहता है कि एक ही लाइन पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से, आप पहले से ही रीड कर चुके हो, लिख दूं आंसर, क्या आंसर आएगा इसका, फॉल्स। लेकिन रीजन भी देना है, आपको पता है कि यदि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट मेरा पी है, तो इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकता हूं, इनफाइनाइट लाइंस कर सकते हैं ना पास, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास through a point, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, जबकि ये कहता है कि एक ही लाइन पास हो सकती है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या आ गया, गलत आ गया, इसलिए फॉल्स। सेकेंड रीड करिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, ये भी आप कर चुके हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब इन दोनों पॉइंट से क्या आप इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, तो क्वेश्चन अगेन गलत हो गया, अब क्या लिखोगे, फॉल्स, ओनली वन लाइन कैन बी पास भी पास हो सकती है किससे, थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट,
हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। ये तो बिल्कुल आप आंखें बंद करके क्या कर दोगे, प्रूव, क्यों, क्योंकि दिस वन इज अ क्या है, ये दिस वन इज अ पोस्टुलेट, यूक्लिड पोस्टुलेट ही तो है ये, और पोस्टुलेट का मतलब तो एज्यूम ट्रूथ है, ये तो ट्रूथ है, तो दिस वन इज अ यूक्लिड पोस्टुलेट, और पोस्टुलेट में कौन सा है, ये सेकंड, इसलिए ये जो बाय पहले से ही क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सो प्लीज मेक अ नाउ। नाउ लुक एट द फोर्थ, फोर्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर वन का कहता है कि इफ टू सर्कल आर इक्वल हो देन देयर रेडियाई आर इक्वल, क्या तब उनकी रेडियाई इक्वल होगी, जैसे ये एक सर्कल है सेवन, ये दूसरा सर्कल है C2, और दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, तो क्या इनकी रेडियाई भी इक्वल होगी, दोनों को सुपर इंपोज कर दो, मतलब एक के ऊपर एक, तो आपको सर्कल ऐसा दिखाई देगा, एक के ऊपर एक, इसका मतलब क्या है, जो इनकी रेडियाई होगी आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट भी कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट भी कह सकते हो इसको। थर्ड, दो सर्कल विद सेम रेडियाई के हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसका तो स्टेटमेंट क्या है, कहता है इन द फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, फिगर बना हुआ है ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि देखो ए बी भी पी क्यू इक्वल, एक्स वाई भी पी क्यू, तो कौन सा एक्सियोम लग गया, एक्सियोम फर्स्ट, मेंशन कर दो यूक्लिड एक्सियोम फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, आपस में भी इक्वल होगी, इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, जो आपको ऐसे दिखाई देती है ना कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी पी क्यू और एक्स वाई तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियोम वन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी गिव कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स और एक्सरसाइज 5.2 वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, सो इफ यू रियली लाइक, यदि आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उसका भी बेनिफिट हो सके, वो उसको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको क्लियर कर सके, और अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो डू कमेंट, आप कुछ कमेंट करिए, सर इसमें ये चीज़ ऐड कर दीजिए ये चीज़, तो मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करता हूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, वी विल मीट वेरी सून टेक द न्यू लेक्चर ऑन द लेक्चर 3 ऑन यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9 चैप्टर 5। थैंक यू वंस अगेन।